हेलो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल का एक नया टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हूं। ये टॉपिक है ग्रिम रिमाइंडर। ग्रिम का मतलब क्या होता है? भयावह, भयानक, बहुत ही ज़्यादा गंभीर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? चेतावनी, एक तरीके का रिमाइंडर देते हैं। मान लीजिए किसी को सपोज आप बैंक से पैसे लिए हैं और आप चुकाए नहीं हैं पर्टिकुलर ड्यू डेट में, तो आपको जो है बैंक रिमाइंडर भेजती है कि आप जो है उसे चुका दें। तो इसी तरह एक रिमाइंडर होता है कि एक आपको चेतावनी है कि आप इस पर काम कर लें, नहीं तो कुछ और एक्शन हो सकता है। तो ये होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। और ग्रिम का मतलब क्या है? वरिंग, विदाउट होप, डरावना, या कहिए बहुत ही खराब, ठीक है ना। और मैं आपको कहता हूँ कि इसके अलावा जो है ये रिमाइंडर का जो दूसरा मतलब होता है, वेकअप कॉल भी होता है, यानी कि चेतावनी ही होता है। हंडवारा इनकाउंटर, हंडवारा जो है कश्मीर में, जो इनकाउंटर यानी कि मुठभेड़, इज अ वेकअप कॉल। ये जो है एक चेतावनी है, वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल का मतलब देख लीजिए, वेकअप कॉल इडियम से मतलब एक नाउन ही है। इफ समथिंग इज अ वेकअप कॉल, इट मेक्स यू रियलाइज, ये तब आपको रियलाइज करवाती है, एहसास करवाती है दैट यू नीड टू चेंज द वे, कि आपको जो है जरूरत है वो तरीका बदलने के जो आप अभी तक करते आ रहे हैं। यू डू समथिंग, कोई चीज करते हैं ताकि जो है फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। यानी कि चेतावनी कहिए इसको या फिर नसीहत कहिए, इसके हमने वाक्य जो है वो दे दिए हैं यहाँ पर। और आप जब भी इस वीडियो को देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ये सारे वर्ड्स जरूर देखें, और उसमें साथ साथ में जो है मैंने सेंटेंस भी बनाए हुए हैं, सेंटेंस भी लिखे हुए हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये जो है, ये हनवारा इनकाउंटर जो है एक वेकअप कॉल है सरकार के लिए। देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी। रूम का मतलब तो सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जो मतलब कि मकान होता है, और मकान में रूम होते हैं, कई सारे बेडरूम होते हैं, डाइनिंग रूम होते हैं, बहुत सारे रूम होते हैं। रूम मतलब एक प्लेस हुआ, ठीक है ना। लेकिन रूम का और भी मतलब होता है, और यहाँ पर जो है मतलब है वो दूसरा है। यानी कि ये जो है रूम का मतलब होता है स्पेस, ठीक है ना, एन अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समवन और समथिंग नीड्स। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर जरूर देखिएगा। और यहाँ पर कभी भी प्लेस का यूज नहीं करते हैं, जैसे दस दैट सोफा वुड टेक अप टू मच रूम। टू मच प्लेस नहीं होता है कभी भी, टू मच रूम इन द फ्लैट, ठीक है ना, मतलब बहुत जगह घेरेगा, यानी कि टू मच स्पेस, ठीक है ना। जेम्स टुक द बुक्स ऑफ द लिटिल टेबल टू मेक रूम फॉर द टेलीविजन। जेम्स जो है उस लिटिल छोटे से टेबल से जो है उसने कई सारे बुक्स हटा लिए ताकि टेलीविजन के लिए एक स्पेस बनाया जा सके, ठीक है। तो इस टाइप के कई सारे वाक्य हमने लिखे हैं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और एक होता है अपॉर्चुनिटी, किसी चीज का अवसर, मौका। आई फील द कंपनी हैज लिटिल रूम और नो रूम टू मैनेवर, मैनेज करने के लिए जो है उसके पास कोई अवसर नहीं है, कोई मौका नहीं है। लेकिन एक ईडियम भी होता है, नो रूम फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है यदि आप ऐसा कहते हैं कि आपके पास कोई रूम नहीं है, तो दैट मीन्स ये है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे एक साधारण सा वाक्य देखे, इन अ स्मॉल कंपनी लाइक दिस, इस टाइप की कंपनी, छोटी सी कंपनी में, देयर इज नो रूम फॉर लेजीनेस, यानी कि ये लेजीनेस यानी कि आलसीपन का कोई यहाँ जगह नहीं है, यानी कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। और कॉम्प्लेसेंसी मतलब आत्मसंतोष होता है। मान लीजिए आप सपोज आप आज तैयारी कर रहे हैं और कुछ आपका उसमें सफलता मिल जाती है, मान लीजिए क्लर्क बन गए हैं या पीओ बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो विकास जो है यहाँ रुक जाना चाहिए और आप जो है आत्मसंतोष हो जाते हैं कि नहीं, इसके बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये प्रवृत्ति होती है, वो खुद को जो है वो डेवलप नहीं करना चाहते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे चीज़ आपको दिखेंगे, वो एक जगह एक मिल गया बस वहीं पर वो रुक जाते हैं, ये कॉम्प्लेसेंसी होता है लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, यानी कि कॉम्प्लेसेंसी का कोई जगह नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है ये। और लेट अप, लेट अप का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि कह सकते हैं इसमें कोई लेट अप नहीं है। लेट अप यानी कि पॉज, रिडक्शन इन समथिंग, यूजुअली समथिंग बैड,
कोई चीज़ बैड जो होता है ना, मतलब कि खराब चीज़ होता है, उसमें रिडक्शन होना या उसमें जरा सा रुकावट आना, जैसे द एयरलाइन ऑथोरिटीज आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ लेट अप इन डिलेज, दैट इज नॉट एक्सपेक्टिंग डिलेज टू स्टॉप, यानी कि डिलेज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं किसमें, मतलब कि कमी कमी कहिए इसको एक तरीके से, ठीक है ना, डिलेज में कमी जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द समर, ठीक है, या जैसे पुलिस इंसिस्ट दैट दे आर नॉट लेटिंग अप ऑन देयर कैंपेन, यानी कि पुलिस जो है आग्रह कर रही है या जोर डाल रही है कि वो जो है वे जो है पुलिस जो है वो कम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि स्टॉप नहीं कर रहे हैं अपने जो अभियान है ड्रग्स के खिलाफ, उसको कम नहीं कर रहे हैं या उसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी एंड देयर इज नो रूम फॉर लेट अप, ठीक है ना, ये कमी नहीं होनी चाहिए इन एड्रेसिंग, एड्रेस मतलब सुलझाना, उसको समाधान करना, अनरिजॉल्व क्राइसिस इन JNK, जम्मू एंड कश्मीर में जो अनसुलझा जो संकट है उसको समाधान करने में कोई लेटअप नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द इनकाउंटर इन कश्मीर इन विच 5 सिक्योरिटी पर्सोनल इंक्लूडिंग अ कर्नल, अ मेजर, JNK पुलिस ऑफिसर एंड 2 सोल्जर्स वर किल्ड बाय मिलिटेंट्स एज अ डिस्टर्बिंग रिमाइंडर इन द मिड्स ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक ऑफ द वैलीज अनरिजॉल्व क्राइसिस। यहां तक देखिए, ये कह रहा है, ये देखिए यहां पर जो है वर एक वर्ब है और यहां जो है इज एक वर्ब है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ये इज जो है द इनकाउंटर इन कश्मीर इज इसके लिए आया है, ठीक है ना, यहाँ ये जुड़ रहा है, ठीक है, लेकिन इन विच ये जो कश्मीर में जो मुठभेड़ है जिसमें 5 सिक्योरिटी पर्सोनल जो है जिसमें शामिल कौन कौन है, कर्नल है, मेजर है, JNK पुलिस ऑफिसर है और 2 सोल्जर्स है, वो मारे गए थे, क्योंकि ये मारे गए थे पहले, मारे गए थे और ये जो लिखा जा रहा है ये उसका तो असर अभी तक है, तो वो जो इनकाउंटर जो कश्मीर में जो है ये एक डिस्टर्बिंग रिमाइंडर है, लेकिन वो जो कश्मीर में इनकाउंटर हुआ था उसमें तो मारे गई, वो तो पास्ट की बात हो रही है, मतलब ये तो 1 घंटा पहले या 2 दिन पहले या कई दिन पहले हो चुके हैं ये चीज, तो इन विच 5 सिक्योरिटी पर्सनल इंक्लूडिंग अ कर्नल, अ मेजर, अ JNK पुलिस ऑफिसर एंड 2 सोल्जर्स वर इसलिए आया कि पर्सनल है, ठीक है ना, किल्ड बाय मिलिटेंट्स, ये जो आतंकवादियों के द्वारा जो मारे गए, ये जो पर्सनल है 5 सिक्योरिटी पर्सनल जिसमें कर्नल, मेजर और JNK पुलिस ऑफिसर और 2 सोल्जर शामिल है, ये जो इनकाउंटर है एक डिस्टर्बिंग रिमाइंडर है, एक डिस्टर्ब करने वाला चेतावनी है इन द मिड्स ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक, यानी कि कोरोना वायरस महामारी के बीच में किस चीज का रिमाइंडर है, ऑफ, इसलिए रिमाइंडर के साथ ऑफ आ गया, देखिए ऑफ द वैलीज अनरिजॉल्व क्राइसिस, यानी कि जो वैली यानी कि घाटी का जो अनसुलझा जो संकट है उसका एक मतलब कि एक रिमाइंडर है, डिस्टर्बिंग रिमाइंडर है ये इनकाउंटर, ठीक है ना, चेतावनी है। लास्ट अगस्त, पिछले अगस्त में व्हेन द गवर्नमेंट स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रिप का मतलब होता है नंगा होना, ठीक है ना, कपड़े को हटा देना, स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब छीन लेना, ठीक है ना, तो लास्ट अगस्त जो है व्हेन द गवर्नमेंट स्ट्रिप्ड JNK, और स्ट्रिप के साथ जब छीन लेने की बात होती है तो ऑफ ही करते हैं, ठीक है ना, तो JNK से जम्मू एंड कश्मीर से छीन लिया, क्या छीन लिया, उसका स्पेशल स्टेटस को छीन लिया, उसका विशेष दर्जा को छीन लिया और इसको बांट दिया, इसको बाइफर्केट कर दिया 2 भागों में इंटू 2 यूनियन टेरिटरीज, 2 केंद्र शासित प्रदेश में इसको बांट दिया, ठीक है ना, बाइफर्केट कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, अन इम्प्रेशन वॉज क्रिएटेड, एक धारणा बनाई गई, एक धारणा बनाई गई, इंप्रेशन मतलब धारणा, ठीक है, एक धारणा बनी क्या कि सारी समस्या कश्मीर की जो है वो सुलझा ली गई है, ठीक है ना, सुलझ चुकी है, ठीक है, कि सारी समस्याएं जो है वो सुलझ चुकी थी, ठीक है, एंड द वे क्लियर्ड फॉर द JNK's मार्च, और रास्ता तैयार कर दिए गए हैं JNK की यात्रा किस तरफ, टुवर्ड्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि शांति और समृद्धता के तरफ जो है JNK का जो मार्च है, जो रास्ता है वो तैयार कर दी गई है या क्लियर साफ कर दी गई है, ठीक है, इनफैक्ट वास्तव में किया था इन द 9 मंथ्स, मतलब 9 मंथ्स में, 9 महीनों में, कब से, सिंस अगस्त 2019, यानी कि 2019 के अगस्त मतलब अगस्त 2019 से लेकर जो 9 मंथ्स अभी तक हैं अभी, ठीक है ना, तो इनफैक्ट इन द 9 मंथ्स यानी 9 महीनों में, सिंस अगस्त 2019
2019 अगस्त से, ठीक है, 9 months में या 9 महीनों में कश्मीर जो हैज बीन अंडर टू काइंड्स ऑफ लॉकडाउन। कश्मीर जो रहा हैज बीन मतलब रहा है, उस समय से रहा है, दो प्रकार के लॉकडाउन में रहा है। अब बता रहे हैं क्या पहला लॉकडाउन किया है, द फर्स्ट वन, वन मतलब लॉकडाउन, जो कि थोपा गया था, लगाया गया था 3 अगस्त को, इन द वेक ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 जो है यानी कि धारा 370, एब्रोगेशन का मतलब रद्द करना, निरस्त करना, ठीक है। तो आर्टिकल 370 को जो रद्द कर दिया गया था, उसके परिणाम स्वरूप, इन द वेक ऑफ का मतलब उसके परिणाम स्वरूप, उसके मद्देनजर, ठीक है, या उसके बाद, ठीक है, ये सब चीज आते हैं, ठीक है, इन द वेक ऑफ। तो इन द वेक ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के रद्द किए जाने के बाद या रद्द करने के परिणाम स्वरूप, ये जो पहला लॉकडाउन 3 अगस्त को इम्पोज किया गया था, हैज सेग्वेट, ये जो है सेग्वे पढ़ेंगे आप, सेग्वे, इसको पढ़ते हैं सेग्वे। और सेग्वे का मतलब जो होता है, ये हम आपको दिखाते हैं, सेग्वे का जो है जो एक्चुअल जो मतलब होता है वो क्या होता है। एब्रोगेशन मतलब देख लीजिए, रद्द करना, सेग्वे, इसको सेग्वे, सिग्वे या सेगी नहीं पढ़ लीजिएगा, सेग्वे। सेग्वे का जो मतलब होता है टू मूव इजिली एंड विदाउट इंटरप्शन फ्रॉम वन पीस ऑफ म्यूजिक, पार्ट ऑफ स्टोरी, सब्जेक्ट और सिचुएशन टू अनदर, यानी कि एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में बिना इंटरप्शन का, बिना मतलब कि बाधे के जो है आप पहुंच जाते हैं, मतलब टू प्रोसीड विदाउट इंटरप्शन, यानी कि आप कह सकते हैं इसको एक तरीके से कि आसानी से दूसरे इसमें चले जाना, मतलब कि अपना रास्ता बदल लेना, या कह सकते हैं दूसरी तरफ जो है चेंज करना बिना कोई मतलब कि बाधे के, मतलब फ्री विल, ठीक है। तो ये जो है कहाँ गए हम लोग, या हाँ, इन द वेक ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ थ्री आर्टिकल 370 हैज सेग्वेड इनटू द सेकेंड, ये जो है आसानी से बिना कोई बाधा के जो है दूसरे लॉकडाउन में पहुंच गई, ठीक है ना, जो कि इम्पोज किया गया, लगाया गया किस लिए, टू प्रिवेंट द कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए, फ्रॉम स्प्रेडिंग, उसके प्रसार होने से, उसके फैलने से, ठीक है। बट मिलिटेंट ग्रुप्स इन द वैली, लेकिन मिलिटेंट ग्रुप्स जो आतंकवादी जो समूह है वहां पर ना, वैली में, घाटी में, हैव नॉट वैनिस्ड, वो गायब नहीं हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस जो सुरक्षा जो दल है, सुरक्षा बल जो है, किल्ड 45 मिलिटेंट्स, उसने 45 मिलिटेंट्स को मार गिराया था, कब से, फ्रॉम अगस्त 2019 टू मार्च 2020, यानी कि अगस्त 2019 से मार्च 2020 के बीच 45 मिलिटेंट्स को मार गिराया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। मोर देन 200 अदर्स, यानी कि इसके अलावा जो है 200 और अन्य जो है, मतलब ये अन्य हो गया, मतलब ये तो 45 है ही और जितने भी हों, लेकिन इसके अलावा मतलब कि मोर देन 2200 अदर्स, यानी कि 200 से भी ज्यादा अन्य जो हैं वो रिमेन एक्टिव, रिमेन एक्टिव यानी कि वो सक्रिय बने हुए हैं। अब यहां पर आप ये भी तो कह सकते थे कि मोर देन 200 अदर्स आर एक्टिव, वो एक्टिव हैं, नहीं एक्टिव तो है ही, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं रिमेन एक्टिव यानी कि वो पहले भी एक्टिव थे और आज भी बने हुए हैं, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा है। तो मोर देन 200 अदर्स रिमेन एक्टिव इन रिसेंट मंथ्स, हाल के महीनों में, सम ऑफ द स्पाइक, स्पाइक मतलब वृद्धि, इंक्रीज, ठीक है ना, राइज, तो सम ऑफ द स्पाइक इन सेलिंग, सेलिंग मतलब गोलीबारी, अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा के पार से, हैज बीन एट्रीब्यूटेड, इसको इसका संबंध जोड़ा गया है किससे, किससे जोड़ा गया है, टू अटेम्प्ट एट क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि सीमा पार से जो घुसपैठ की जो कोशिश की जा रही, जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे जोड़ा गया है। क्या रिसेंट मतलब कि हाल के महीनों में जो कुछ बढ़ोतरी हुई है गोलीबारी में, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों पार में, ठीक है ना, लाइन अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब कि नियंत्रण रेखा के पार से जो है गोलीबारी में जो वृद्धि हुई है उसको जोड़ा जा रहा है, उसको उसकी जो मतलब वो संबंधित है, एट्रीब्यूट मतलब उससे संबंधित होना, या उससे जोड़ा गया है किससे, अटेम्प्ट एट क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन यानी कि सीमा पार से जो घुसपैठ हो रही है उसके प्रयास से जोड़ा जा रहा है। एज द स्नो मेल्ट, जैसे जैसे स्नो जो है बर्फ जो है पिघलेगी, ठीक
ठीक है ना, देर आर लाइकली, इसकी संभावना होगी इस टाइप के प्रयास, ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के प्रयास के संभावना होगी, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन का, ठीक है ना। एज द स्नो मेल्ट, जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, तो देर आर लाइकली मतलब इसकी संभावना होगी टू बी मोर सच अटेम्प्ट, इस टाइप के और ज्यादा अटेम्प्ट के, इस टाइप के और ज्यादा कोशिशों के, प्रयासों के। अ न्यू ग्रुप, एक नया ग्रुप आया है जिसका नाम है द रेसिस्टेंट फ्रंट, ठीक है ना, हैज बिगन, उसने शुरू किया है क्या करना, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना शुरू किया है, ठीक है ना। यहाँ बिगन के बाद टैकिंग है ना, यह जो है पार्टिसिपल है, तो ये जो है क्या किया, शुरू किया, क्या किया, शुरू क्या किया, तो लेना शुरू किया, ठीक है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया, ठीक है ना, किसके लिए, अटैक्स के लिए, जो हमले के लिए, हमले कहाँ पर हो रहे थे, वैली में, ठीक है। द इंसिडेंट इन कैरन, ठीक है ना, कैरन में जो घटना घटी है, इन विच 5 एलिट कमांडोज, जिसमें जो है 5 एलिट कमांडोज जो हैं पारा 4 के, ठीक है ना, वो मारे गए थे इन हैंड टू हैंड कॉम्बेट। हैंड टू हैंड कॉम्बेट का मतलब कि सामने सामने की लड़ाई, मतलब कि उधर से भी गोलीबारी चल रही है, उधर से भी गोली चला रहा है मिलिटेंट्स, और इधर से भी सेना जो है गोली चला रहे हैं, तो हैंड टू हैंड कॉम्बेट में जो है वो मारे गए थे ये जो एलिट कमांडोज थे पैरा 4 के। और सैटरडे का जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो शनिवार का जो इंसिडेंट हुआ है हैंडवारा में, ठीक है ना, हैव बिन क्लेम्ड, इसकी जिम्मेदारी ली गई है, इसका दावा किया गया बाय दिस न्यू ग्रुप, इस नए ग्रुप के द्वारा। सिक्योरिटी एजेंसी, जो सुरक्षा एजेंसी जो है, बिलीव, वो मानते हैं इट मतलब ये जो न्यू ग्रुप है, ये जो है इट मतलब नया ग्रुप जो है, यानी कि रेसिस्टेंस फ्रंट, ये जो है ये फ्रंट है किसका, लश्करे तोयबा का, यानी कि लश्करे तोयबा का ये एक मोर्चा है, ठीक है ना, ये एक फ्रंट है, एक मोर्चा है लश्करे तोयबा का, विच इज गैंट, विच जो है आ रहा है लश्करे तोयबा के लिए, तो जिसने गेंट किया है, हासिल किया है नोटोरियटी, नोटोरियटी, ठीक है ना, नोटोरियस होता है कुख्यात, नोटोरियटी मतलब होता है कुख्यातता, मतलब कि बदनामी कह सकते हैं, तो विच इज गैन नोटोरियटी इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एंड हैज ऑल्सो बिन अंडर सम प्रेशर, और ये जो है कुछ दबाव में भी रहा है, किसके कारण, ड्यू टू द मॉनिटरिंग ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सबसे पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है, अब इसको हिंदी मत कर लीजिएगा, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल मत कर लीजिएगा, इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रहने दीजिए। और ये जो है एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स होता है, ये एक्चुअल में ये नज़र रखते हैं, निगरानी रखते हैं उन देशों में जहाँ पर जो है आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती है, और इसके तहत जो है वो देश के फाइनेंशियल जो जो भी पैकेज मिलता है कहीं से भी, किसी भी एजेंसी से, तो उस पर जो है वो रोक लगाती है, अगर गतिविधि में कहीं उस मतलब इनको लगता है कि ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है तो वो उस चीज़ को मॉनिटर करता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो है पाकिस्तान में आधारित जो टेरर ग्रुप से आतंकवादी जो समूह है उसके मॉनिटरिंग किए जाने की वजह से जो है कुछ जो है यहाँ पर देयर हैज ऑल्सो बीन अंडर सम प्रेशर, मतलब कि ये जो है लश्करे तोयबा जो है वो कुछ दबाव में भी रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो है पाकिस्तान आधारित टेरर ग्रुप्स पर मॉनिटरिंग की जा रही है, ठीक है ना। टू थिंग्स शुड वरी सिक्योरिटी एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट, दो चीजें जो है वो चिंतित करनी चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज को और गवर्नमेंट को, यानी कि सिक्योरिटी एजेंसीज और गवर्नमेंट के लिए दो चीजें जो है चिंता का विषय है, वो क्या है, पहला क्या है, देर आर नो राइवल क्लेमेंट्स, यानी कि कोई भी प्रतिद्वंदी, राइवल मतलब प्रतिद्वंदी, क्लेमेंट्स नहीं है मतलब दावेदार नहीं है इस टाइप के अटैक्स के, इस जो अटैक्स हो रहे हैं आज यहाँ पर, तो उसके कोई दावेदार नहीं है, राइवल क्लेमेंट्स नहीं है इस टाइप के अटैक्स के, ठीक है ना, एज जैसा कि पहले होता था, एज देयर वुड बी इन द पास्ट, यहाँ पर देखिए एज यहाँ वुड बी मतलब बता रहा है पास्ट के बारे में, और पास्ट के बारे में वुड से जो जोड़ते हैं इस सेंस में कि कोई चीज बराबर हुआ करता था पास्ट में, ठीक है ना, एज जैसा कि होता था अतीत में, इन द पास्ट, जब
व्हेन अ न्यू ग्रुप मेड अ क्लेम, जब कोई नया ग्रुप जो है वो दावा करता था, तो इट मे इंडिकेट, तो यह जो है संकेत दे सकता है कि ग्रुप्स जो है यानी कि समूह जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अब सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। इवन दोज ईगर टू अनाउंस देमसेल्व्स एट एवरी अपॉर्चुनिटी, यानी कि यहाँ तक कि वे जो प्रत्येक अवसर पर खुद को घोषित करने के लिए उत्सुक होते थे, उत्सुक मतलब ईगर हो गया, ठीक है ना। इवन दोज यहाँ तक कि प्रत्येक अवसर पर खुद को देमसेल्व्स मतलब खुद को घोषित करने के लिए कि हम किए हैं, तो इस टाइप के जो है खुद को घोषित करने के लिए उत्सुक होते थे, जैसे कि अलकायदा लिंक्ड अंसार गजवत उल हिंद, जो अलकायदा से जुड़े हुए जो है, क्या नाम है इसका, अंसार गजवत अल हिंद, और कौन है, IS, ठीक है ना, ये भी जो है अभी चुप है, आर साइलेंट। टू, दूसरा क्या है, पहला तो ये बता दिए, ठीक है, पहला ये है, ठीक है, दो दो चीज जो है वो चिंता का विषय, सिक्योरिटी एजेंसी, और दूसरा क्या है, दूसरा है हंदवाड़ा में, जैसा कि केरन में हुआ था, लोकल यूथ जो है यानी कि स्थानीय जो युवा है वो मिलिटेंट्स में शामिल थे, वर्ल्ड अमंग द मिलिटेंट्स, वो आतंकवादियों में शामिल थे। अब क्या है, द डबल लॉकडाउन, ये जो डबल लॉकडाउन है, एक तो मतलब कि जो अगस्त में लगाया गया था 2019 में, और उसके बाद जो अभी इसको कंटेन करने के लिए पैंडेमिक को वो लगाया गया है, तो ये डबल लॉकडाउन जो है, और जो कंप्लीट एब्सेंस यानी कि बिल्कुल गैर मौजूदगी, बिल्कुल अनुपस्थिति किस चीज का, पॉलिटिकल प्रोसेस का यानी कि राजनीतिक प्रक्रिया का, जो बिल्कुल एब्सेंस है, बिल्कुल कंप्लीट एब्सेंस है। और क्या है, और जो नई परिभाषाएं हैं, ठीक है ना, किसके लिए, कि कौन पात्र है डोमिसाइल के लिए, अधिवास के लिए या निवास स्थान के लिए, JNK में, ठीक है ना। तो ये जो डबल लॉकडाउन, उसके बाद जो है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस का बिल्कुल बुरी तरह से गैर मौजूदगी होना, और जो है जो नया परिभाषाएं हैं कि कौन JNK में डोमिसाइल के लिए पात्र होंगे, ये देखा जा रहा है सीन एज एन अटेम्प्ट, ये एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है कि यह जो प्रयास है वो बदल देगा वैली के डेमोग्राफी को। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफी वो होता है जिसमें आप जो है स्टडी किया जाता है लोगों का एक खास एरिया में, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने सारे, हाउ मेनी हैव पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, कितने सारे लोगों का एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, या उसको चेंज, कोई बदलाव आते हैं, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मेल्स में, द नंबर ऑफ फीमेल्स में, या जो बर्थ्स हो रहा है, या मैरिजेस हो रहा है, या फिर डेथ्स हो रहा है, इन सारे चीजों को जो है जो उसमें जो बदलाव आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसी उसी को कहते हैं डेमोग्राफी, इसको आप हिंदी में जनसांख्यिकीय कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है ये देखा जा रहा है, ये सारी चीज, ये डबल लॉकडाउन, ये कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, और जो न्यू डेफिनेशन ऑफ हु इज एलिजिबल फॉर डोमिसाइल इन JNK, ये जो है ये सीन एज एन अटेम्प्ट, ये एक कोशिश के रूप में देखी जा रही है कि यहाँ के यानी कि वैली के डेमोग्राफिक को बदला जा सके, ठीक है ना। और ये चीज जो है, ये सारी चीज जो है यानी कि हंदवाड़ा जो मत सॉरी ये जो डबल लॉकडाउन हुआ है, और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, और ये जो न्यू डेफिनेशंस जो है हु इज एलिजिबल फॉर डोमिसाइल इन JNK, ये जो है गवर्नमेंट के लिए, हैव नॉट वन द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए कोई दोस्त नहीं बनाए हैं अमंग द पीपल, लोगों के बीच, ठीक है ना। इवन द न्यू JNK अपनी पार्टी, या ये नाम है JNK अपनी पार्टी, यहाँ तक कि जो नया जो JNK का अपनी पार्टी है वो भी चुप्पी साध लिया है, ठीक है ना, हैज रिट्रीटेड इन टू साइलेंस, यानी कि वो भी पीछे की तरफ, मतलब कि रिट्रीट मतलब पीछे आ गया है और चला गया है साइलेंस में, यानी कि वो उसने चुप्पी साध ली है, ठीक है ना। हंदवाड़ा शुड बी अ वेकअप कॉल, हंदवाड़ा का जो है ये एक वेकअप कॉल, एक चेतावनी होनी चाहिए, ठीक है ना, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि यह जो है ये वेकअप कॉल होना चाहिए किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि इट मतलब गवर्नमेंट कैनॉट कंटिन्यू, ये लगातार जारी नहीं रख सकती है, टू मडल थ्रू का मतलब, देखिए मडल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लिए, मडल का जो मतलब होता है वो होता है मेसी,
यानी कि कंफ्यूज्ड, ठीक है, यानी कि मडल का जो मतलब होता है अन अनटाइडी और कंफ्यूज्ड स्टेट। इसका एक शब्द के फडल भी कहते हैं या कंफ्यूज्ड भी कहते हैं, अनटाइडी भी कहते हैं, मैसी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे द डॉक्यूमेंट्स वर इन अ मडल, ठीक है ना, वो एक मडल स्टेज में था, मतलब कि कंप्लीट अस्त व्यस्त था पूरी तरह से, ठीक है। जैसे वेन एवर आई गो टू यूरोप आई गेट इन अ मडल अबाउट हाउ मच थिंग्स कॉस्ट, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। और मडल थ्रू का मतलब क्या होता है, टू मैनेज टू डू समथिंग ऑल दो यू आर नॉट ऑर्गेनाइज एंड डू नॉट नो हाउ टू डू इट, आप नहीं जानते हैं कि इसको कैसे करना है करना है, या फिर आप ऑर्गेनाइज नहीं है कि इसको किस तरीके से करना है, फिर भी आप मैनेज करते हैं, मतलब काम चला लेते हैं आप एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, सॉरी बट आई कांट हेल्प यू, यू विल जस्ट हैव टू मडल थ्रू ऑन योर ओन, आपको खुद ही काम चलाना पड़ेगा अपने में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हंदवाड़ा जो है, ये एक वेकअप कॉल होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए कि यह जो है यानी कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है ना, कैन नॉट कंटिन्यू टू मडल थ्रू, ये बार बार जो है काम नहीं चला सकती है वैली में, ठीक है ना, ठीक है, मतलब कि ये जो काम चलाओ वाला जो प्रवृत्ति है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो है बार बार कंटिन्यू जो है ये मडल थ्रू तो वैली, ये वैली में जो है ये बार बार काम नहीं चला सकती है विद द ब्यूरोक्रेसी, जिसमें ब्यूरोक्रेसी जो है, जो ब्यूरोक्रेसी समझते ही हैं ये क्या होता है, नौकरशाह। तो ब्यूरोक्रेसी जो है प्रॉपिंग अप, प्रॉपिंग अप का मतलब होता है जैसे आप सपोर्ट करना एक तरीके से, ठीक है ना। जैसे आप बाइक को जो है, सपोज आपके पास बाइक में स्टैंड नहीं है तो, और सामने में एक कोई दीवार है तो उसके अगेंस्ट में जो है आपने खड़ा कर दिया, उससे लगाकर आपने खड़ा कर दिया, मतलब उसको एक सपोर्ट दिया, ठीक है। और प्रॉप अप का मतलब टू सपोर्ट, ठीक है ना, या किसी को लिफ्ट करना या सपोर्ट देना। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी जो है उसको इस अगस्त 5, 9, 2019 का जो डिसीजन को है वो एक तरफ हर हमेशा जो सपोर्ट नहीं कर सकती है, और सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ कहना ये चाह रहा है कि हंडवारा जो है एक वेकअप कॉल होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए कि यह जो है बार मतलब कि लगातार एक काम चलाने की प्रवृत्ति नहीं अपना सकती है वैली में, जिसमें जो है ब्यूरोक्रेसी जो है सपोर्ट कर रही होती है 2019 के 5 अगस्त 2019 के डिसीजन को, ऑन वन साइड एक तरफ, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सपोर्ट कर रही है दूसरी तरफ ऑन द अदर। तो दोस्तों आज का द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल कैसा लगा, मेरे ख्याल से अच्छा ही लगा होगा, लेकिन आप जो इसमें सीखने की जो बात थी जिसके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया वो है बेसिकली इंग्लिश सीखने की बात, कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें और कैसे इसको हम समझ पाएं, मतलब कि एकदम बिल्कुल अपने ही अंदाज में, अपने ही भाषा में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप किसी भी चीज़ को ग्रास्प कर सकें। तो ये चीज़ आपको कैसा लगा ये हमें आप मतलब कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक जरूर दें, और इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन बिल्कुल दबाएं ताकि जो अगला मेरा वीडियो आएगा वो आप तुरंत उसको आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।